नमस्कार मित्रों, स्टडी विद केके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 अंग्रेजी का 2020 में हुए पेपर का पूरा हल करके आपको बताऊंगा। ये जो पेपर है वो दो भागों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा हुआ है। इस प्रकार, जैसे सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन विकल्प, पहला क्वेश्चन पैसे संबंधित होगा, जिसमें दो क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जो पैसेज है ये टॉर्च बियरस नाम के पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं W.M. रायबर्न। क्वेश्चन नंबर दो में लॉन्ग क्वेश्चनों के आंसर 60 वर्ड में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चनों के 25 वर्ड में आंसर देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर चार में ए बी लिस्ट यानी मैचिंग वर्ड दिए हैं। जैसे मिस्ट्री का होगा सीक्रेट, एज का होगा एंड, फैमिलियर का होगा नॉन, और ग्रेविटी का होगा सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर पाँच में एक पोएम का स्टेंजा दिया होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। पहले क्वेश्चन में टाइटल पूछा है तो हो जाएगा द फाउंटेन। दूसरे वाले में राइमिंग वर्ड पूछे हैं तो हो जाएगा लाइट एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन सिक्स होगा, उसमें या तो सेंट्रल आइडिया लिखना है या फिर 4 लाइन की पोयम को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर सात में सप्लीमेंट्री में से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चनों के आंसर हमें 25 वर्ड में देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इस प्रकार से लिखा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, तो इसके होंगे पियरे डी कुबर्टिन। क्वेश्चन नंबर एट में ट्रू फॉल्स होते हैं, तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके विकल्प होंगे, जिसमें पहले विकल्प का तीसरा विकल्प, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा विकल्प अर्थात बर्लिन सही होगा। अब आता है सेक्शन बी, जो पूरा ग्रामर पोर्शन है। 10वें के पहले का सही वाक्य होगा, सही सेंटेंस होगा द कैट जम्प्ट अपॉन द टेबल। 10वें के बी का होगा, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सी आस्क्ड मी इफ आई शुड गो देयर। 10वें का सी का होगा, साइंस इज टॉट अस बाय डॉक्टर रंजना। डी का होगा, डी में भरा जाएगा मेकिंग। 11वें के पहले में भरा जाएगा एट, बी में भरा जाएगा यू वर्क हार्ड, यानी पूरा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस यू वर्क हार्ड। 11वें के सी में मीनिंग भरी जाना है, जिसमें हो जाएगी अटेंडेंस और जस्टिस। AETEN, DANCE और JUSTICE, जस्टिस। 11वें के डी में पंक्चुएशन है, जो इस प्रकार से होगी, आई सेड टू माई फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रांसलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 4 दिन के अवकाश के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगा ऐसे, और क्वेश्चन नंबर 15 में अनसीन पैसेज आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फिशरमैन फाइंड ऑन द 85th डे, तो इसका लिखेंगे द फिशरमैन फाइंड ए बिग फिश ऑन द 85th डे। दूसरा है, डिस्क्राइब द फिशरमैन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एन ओल्ड फिशरमैन हु लिव्ड इन द कोस्ट ऑफ क्यूबा, ऑल दो ही वाज ओल्ड येट ही वाज वेरी एक्टिव। इस प्रकार से आपका ये पेपर का नरेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।